गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, हमें ये प्रूव करना है, तो फिर उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस में साइन 3x डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस कोस 3x। फार्मूला है साइन, जब भी साइन आए तो साइन और कोस दोनों आते हैं, प्लस हो तो पहले साइन आएगा, साइन एक्स प्लस में 3x डिवाइड बाय 2, फिर कोस आएगा, कोस एक्स माइनस में 3x बाय 2 और डिवाइड बाय। जब कोस आए तो डबलेट हमेशा यूज होते हैं, प्लस है तो दोनों कोस में आएंगे, कोस एक्स प्लस में 3x बाय 2 और ये भी कोस, कोस एक्स माइनस में 3x बाय 2। तो ये देखो, ये सेम है, एक जैसा है, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास साइन एक्स, ये बचेगा आपके पास एक्स 4x बाय 2 माना 2x और नीचे बचेगा आपके पास कोस 2x। तो साइन बाय कोस टेंजेंट होता है, तो क्या बन गया, टेंजेंट 2x, तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये हमें इसी तरह से प्रूव करना जैसे ऊपर वाला प्रीवियस क्वेश्चन था, तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन एक्स माइनस में साइन 3x डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है ना। तो ये साइन सी माइनस साइन डी माना साइन एक्स माइनस साइन वाई का लगेगा, साइन है तो साइन कोस दोनों आएंगे, माइनस है तो पहले कोस आएगा, तो 2 कोस एक्स माइनस 3x डिवाइड बाय 2, सॉरी पहले प्लस आएगा और फिर साइन एक्स माइनस में 3x बाय 2 और डिवाइड बाय, अब ये देखो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, ये कोस 2x के इक्वल होता है, कोस 2x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, तो ये बना आपके पास 2 कोस, अच्छा ध्यान रखना एक, ये जो हमारा जो है ना, इसको देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में से, तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स, और जो ये वाला फार्मूला है ये आपका कोस 2x के इक्वल होता है, तो इसके साथ में माइनस है तो यहां माइनस लगा ले या यहां लगा लीजिए, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद तो ये बन गया 4x बाय 2, तो आपके पास 2x आ गया, ये बन गया साइन माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस कोस 2x आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो ये बन गया आपके पास 2 कोस एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 ये साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बचा, माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद जो मैंने फार्मूला यूज किया ना, तो उसको जो हमारा यहां जो फार्मूला यूज हुआ है ना, ये कोस 2x है, वो किसके इक्वल होते हैं, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स, क्वेश्चन को देख के फार्मूला हमने यूज करना होता है भाई, ठीक है ना। अभी हमने इसका यूज किया है क्योंकि हमें देखना था भाई नीचे सिर्फ न्यूमरेटर में साइन चाहिए, तो इसलिए इसको इस फॉर्म में चेंज किया, चार फार्मूले हैं कोस 2x के, इसमें ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये गिवन है आपको कोट 3x प्रूव करना है, तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या एज इज। उसके बाद हमें ये देखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोट 3 है, अगर इसको एड करेंगे तो 7x बाय 2 हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन से बचना है, तो हम लोग इनको जैसे जिनका
सब्ट्रैक्ट करने से भी और इवन नंबर आए और ऐड करने से भी, ऐसे हमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इकट्ठे करने होते हैं। तो 4x और cos 2x को इकट्ठा कर लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे ना, cos 3x, ठीक है ना। तो इन दो पे फार्मूला लगाएंगे, इसी तरह से इन पे भी लगाएंगे, sin 4x और sin 2x। जो इवन इवन है ना, जैसे पीछे का नंबर इवन हो तो उनको हम लोग एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, बाकी जो भी रह गया उसको पीछे रख देंगे। साइन 3x है ये। तो अब देखो, कोस सी प्लस कोस डी या कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस है तो दोनों डबल एड तो आएगा ही, तो कोस के फॉर्मूले ए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2, फिर कोस कोस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ये एज इज कोस 3x डिवाइड बाय साइन का फार्मूला, पहले प्लस है बीच में प्लस है तो पहले साइन आएगा, 4x प्लस में 2x डिवाइड बाय 2, फिर कोस आएगा कोस 4x माइनस 2x डिवाइड बाय 2 और प्लस में साइन 3x एज डिज आ जाएगा। ऐसे कट नहीं करना अभी ये, क्योंकि ये प्लस में है ना, अभी कट नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग इनको सिंप्लीफाई करते तो ये बन गया 2 कॉस, ये बन गया 6x बाय 2 माना 3x इंटू में, ये बन गया कोस एक्स प्लस में कोस 3x डिवाइड बाय 2 साइन, ये बन जाएगा फिर आपके पास 3x और ये बन जाएगा कोस 2x बाय 2x, ठीक है। और इसके साथ रह गया आपके पास साइन 3x। अब इसमें से कॉमन देख लो, जो कॉमन आता है न्यूमरेटर में कॉमन आ गया आपके पास कोस 3x कॉमन आ गया, कोस 3x कॉमन आ गया, इधर बचा आपके पास 2 कोस एक्स प्लस में 1 और डिवाइड बाय इधर से साइन 3x कॉमन आ गया साइन 3x, तो इधर बच गया 2 कोस एक्स प्लस में 1। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, कोस बाय साइन। कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारे पास इस तरह से है, 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, फिर उसके बाद देखो इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, या तो इनमें से आ रहा है या लास्ट वाले में से आ रहा है, तो हम लोग इसमें से कॉमन देखते हैं, कोट 3x कॉमन आ गया इधर से, कोट 3x कॉमन आया तो यहां क्या बचा, कोट 2x माइनस कॉमन लिया प्लस हो गया, ये बन गया आपके पास कोट x। अब उसके बाद ये एज इज लिखेंगे, कोट x कोट 2x। अब कोट 3x को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं ना, देखो यहां 2x और x है ना, तो इसको हम लोग इसी एंगल में तोड़ लेते हैं, एक्स प्लस में 2x में तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। और ये एज इट इज है, कोट 2x कोट x, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन गया कोट x कोट 2x माइनस, अब इसका फार्मूला लिख लेंगे, यहां फार्मूला लिख रहा हूं कोट x प्लस वाई का, कोट x प्लस वाई का फार्मूला है कोट x कोट y माइनस 1 डिवाइड बाय कोट y प्लस कोट x, ठीक है। तो उसके अनुसार देखो ये क्या बनेगा, कोट x कोट y मीन्स कोट 2x माइनस 1 डिवाइड बाय क्या बनेगा, कोट x या y को ऐसा कह लो 2x और प्लस में कोट x, ठीक है ना। ये इस तरह से इसका फार्मूला लिख दिया हमने, इधर है कोट 2x प्लस में कोट x। अब ये जो है इसका डिनोमिनेटर और ये एक जैसे कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास बच गया कोट x इंटू कोट 2x, माइनस अंदर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कोट x कोट 2x, ये प्लस का 1 हो जाएगा ना, बार माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा,
ये देखो ये एक जैसी ये भी कैंसिल आउट होगी, तो क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया और ये हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा।